जा रहे हैं धनुषकोडी रेलवे स्टेशन की तरफ। सुनामी में पूरा दब गया था, सारा कुछ तबाही हो चुका है, जो कि पूरा अभी पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। ये आपको बे ऑफ बंगाल है जो भी दिख रहा है, और आत्मा वगैरह भी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भूत से रिलेटेड हैं, और कई बार लोग यहाँ पर ये देखिए गाइस, ये अन्ना के साथ गाड़ी सीख रही है। ये लड्डू अन्ना, उसको बताओ गाड़ी चलाना। लड्डू पीपी, अरे पकड़ो, भाग रहा। ड्राइवर ड्राइवर गाड़ी चलाओ, लड्डू ड्राइवर गाड़ी चलाओ मेरा। पूछो हुई लड्डू, हुई हुई। तो अभी देख सकते हैं लड्डू बहुत ज़्यादा मन मस्ती कर रहे हैं, और वहाँ पे फोटो शूट हो रहा है, पूजा देवी का फोटो खींच रही है। तो फाइनली बहुत ही अच्छा लगा। आप लोग बताओ, आप लोगों को कैसा लगा घर बैठे बैठे? हम लोग ऐसा तो कोई नहीं अभी दिखाया होगा, और हम लोग अपने वीडियो में बहुत लोग दिखाया होगा, मतलब इधर का, जैसे हमारे बिहार साइड, मतलब हमारे ब्लॉग में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम पहले आ चुका हूँ मैं एक बार, लेकिन ये शूट नहीं किया था, मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था। आप लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत घूमने लग गया हूँ ब्लॉगिंग के बाद, नहीं ऐसा नहीं है। ब्लॉगिंग के पहले ज़्यादा घूमता था, अभी बहुत कम हो गया, अभी ब्लॉगिंग। आ जा। सो गाइस, फाइनली टाइम टू लीव धनुषकोडी, और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आराम से। अब हम लोग धनुषकोडी जा रहे हैं, और धनुषकोडी में उनको भी सुन लो क्या कह रहे हैं। मतलब भाई साहब, किस्मत है। इधर भी समुद्र। तो आप लोग देख रहे हैं, इधर भी समुद्र, बहुत मतलब इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, क्या ही बताएं आपको। बस हवा चल रही है ना, एक नंबर हवा। वेल दोस्तों, सो अभी मैं जिस जगह पे हूँ, ये जगह अपने आप में ही बहुत रहस्यमयी है। यहाँ पे कभी हुआ करता था, लेकिन सुनामी के दौरान क्या हुआ था, ये पूरा जो जगह पे मैं खड़ा हूँ ये पूरा डूब चुका था, और रेलवे स्टेशन पूरा बिखर गया, और साथ में एक ट्रेन भी बह गई थी। बहुत मतलब काली रात थी, जिस रात को सुनामी का यहाँ पर बहुत बड़ा तांडव प्रकोप था हमारे देश के लिए, और यहाँ कभी रेलवे स्टेशन हुआ करता था। वैसे रेलवे स्टेशन का पटरियाँ वगैरह भी आपको दिखाऊंगा मैं उस साइड की। तो आए होंगे, और जो लोग ट्रेन में, बहुत सारे लोग लापता हो गए थे, कितने सारे जो टिकट्स नहीं लिए थे पैसेंजर्स, वो लोग तो उनका कुछ पता भी नहीं चला, और कुछ लोग टिकट्स लिए थे उनका भी पता नहीं चला। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पत्थर है। वैसे मैं आपको ट्रेन की पटरी वगैरह भी अगर दिख रहा दिखाऊँगा, आपको सामने से एक नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत मतलब हाँ। सो दोस्तों, ये कभी बहुत मतलब बड़ा एक हमारे लिए होता था, यहाँ से हम मिशोरम कनेक्ट होता था। हाँ, और ये दोबारा से मतलब सब कुछ यहाँ पर, सब बिल्डिंग था, आप देख रहे हैं ये शेड। हाँ, और पुरानी यादों में चल रहे हैं, आप लोग देखना और कुछ नॉलेज लेना, अभी मैं भी ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं निशा को भी बहुत सोच नहीं पता, मैं तो रिसर्च किया हूँ कुछ। और यहाँ पर देखिए कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये, और यहाँ से बीच भी आएगा। आगे आ जाओ, ये सारा टूट चुका है, सारा कुछ बह गया गाइस, पूरा यहाँ तक बना हुआ था, और ये पानी लेवल तो अभी भी बहुत ऊपर तक है, जबकि पानी थोड़ा पीछे ही था। यहाँ का मिट्टी, आप लोग बालू देख सकते हैं, ये तो रेत है, समुद्र चढ़ जाता है। तो आगे आगे समुद्र है, चलो उस साइड चलते हैं। ये आपको इस साइड आपको वो दिख रहा है बे ऑफ बंगाल, अभी हम लोग अरेबियन सी की तरफ लेके चलते हैं। सॉरी, ये अरेबियन सी था, ये बे ऑफ बंगाल वाली साइड लेके चलते हैं आपको। मिरर भी मिल जाएगा, मैं अभी इसका रेट पूछूंगी, क्योंकि पूछो सब खरीद थे। अम्मा, हाउ मच? 150। सो दिस मिरर इज ऑफ 150। मुझे लगता था। हाँ, बस चलो आ जाओ, ये भी शेप में सब बहुत अच्छा है, और भी सस्ता मिलेगा अभी, पता है 100 मिलेगा। हाँ, क्योंकि ये लोग सब बनाते हैं ना, बना के चिपका दिए इसी शेप, और क्या कुछ नहीं है यार।
मेहनत। अब यहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सी शेल्स तो ऐसे ही, यहाँ चल चल के देखो तुम, इसी में दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर ये ऐसे उठा लो, एक मोती हो गया, हो गया ये तो ऐसे पड़े पड़े मिलेंगे। हाँ ब्लैक वाली मोती देखो, तो तुमको विश्वास बिनते, अरे अब मतलब तुम बिनने लगो यहाँ पे। देखिए गाइस कितना सुंदर सुंदर मोती है, हम तो लेके चलेंगे। देखिए गाइस कितना सुंदर सुंदर मोती है, ये बस आपको पड़ा पड़ा मिल जाएगा यहाँ पे रेत पे। तो इसी इन्हीं सारी चीज़ों में छेद करके ये लोग बनाते हैं। और रील बनाइए ना, देखिए अब इनको रील भी बनवाना है। गिरा दिए क्या मोती? हाँ फेंक दे, वही तुम उठाइए वहाँ पे भी है वो। बहुत गंदे है। सुना तो क्या करोगी ले जाके? इतना प्यारा समुद्र दिखाएंगे ना कि हम लाए हैं समुद्र में से। वाव लड्डू, कुल्ली 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 कुल्ली, लड्डू गिर जाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ कितना अच्छा सा मिरर मिल रहा है, और लड्डू को लड्डू का कोई ख्याल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो अब हम लोग चलते हैं, है ना लड्डू, देखिए कैसे चल रहा है। अभी नहीं, अभी नहीं आ रहा है, ले ले चश्मा लगा। दोस्तों देखिए इस कुत्ते को चश्मा पहना रहा है। लो 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 चश्मा पहन। ए ए भैया। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं धनुषकोडी रेलवे स्टेशन की तरफ। वैसे तो यहाँ अब स्टेशन नहीं है, लेकिन पहले स्टेशन हुआ करता था। सुनामी में पूरा दब गया था, सारा कुछ तबाही हो चुका है, लेकिन आपको वो सारी चीजें दिखाने ले चलेंगे। इधर से चलते हैं, मेरा पहन लो। तो अब मनीषा चप्पल छोड़ के आ गई है हमेशा की तरह। तभी देखिए कितना बड़ा चप्पल पहन के चल रही है। आप तो देखिए मेरा चप्पल पहनना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है एज़ कम्पेयर टू खुद का चप्पल पहनना। ओ यहाँ तो पत्थर है बहुत बड़े बड़े, चुप होंगे। सिर्फ मेरा पहनना और किसी का नहीं, मतलब मेरा ही पहने और किसी का नहीं। और यहाँ पर कभी पानी टंकी हुआ करता था, यहाँ रेलवे स्टेशन का, ये आप देख सकते हैं, जो कि पूरा अभी पूरी तरीके से खंडहर हो चुका है और काफ़ी मतलब और पूरी ट्रेन यहाँ से एक बह गई थी, तो वो हमारे लिए बहुत दुख का बात थी। आपको उस साइड मैंने अभी दिखाया था ना, रिवेंसी, तो खुद ही यहाँ पटरी था। हाँ तो अभी समुद्र ना, पहले वहाँ तक नहीं था वो। देखिएगा ये आपको बे ऑफ बंगाल है जो भी दिख रहा है, और ट्रेन की पटरी भी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। हाँ देखिए इसमें ट्रेन की, इसमें ट्रेन की पटरियाँ इस पे रखी हुई थी। अब तो यहाँ है भी लोहे का, ये क्या है? ये है लोहे का है, नहीं पत्थर का है। वैसे यहाँ पे कभी ये जो अभी हम लोग जगह खड़े हैं, यहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ आती थी। अभी यहाँ पटरियाँ तो नहीं है, लेकिन उसके स्लैब से आप देख सकते हैं ये दूर, लेकिन पूरी ट्रेन रेल हादसा बहुत बहुत ही मतलब गंदे वाला हुआ था, इसके वजह से सब कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन अब पूरा पानी वहाँ तक था गाइस, बहुत ऊपर लेवल तक पानी था। इनफैक्ट 15-20 फुट ऊपर समुद्र की लहरें तो बहुत ज़्यादा, आई थिंक 100 फीट से भी ज़्यादा ऊपर थी लहरें, और बहुत ज़्यादा मतलब तबाही हो चुका था सारा कुछ। आप देख सकते हैं, कोई भी यकीन भी नहीं कर सकता है कि यहाँ कभी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन दिस इज़ रियली। और आपको एक और चीज़ बता दूँ, यहाँ शाम के 5:30 बजे के बाद कोई नहीं रहता है। लोगों का कहना है कि यहाँ पे आत्मा वगैरह भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि भूत से रिलेटेड हैं, और कई बार लोग यहाँ पर रिसर्च भी करने आते हैं इन चीज़ों को लेकर के। तो मैंने सुना है, तो ये सब सुनी सुनाई बात है। ये कह रही मैं बाल खोली हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पे अब शंकर भगवान की मंदिर भी बनाई गई है, आप लोग देख रहे हैं। अब हम लोग बिल्कुल, तो यहाँ पर ये बहुत लंबे पटरी, यहाँ अभी यहाँ पर तो मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा है आपको, नहीं तो यहाँ पर पटरी था। अभी हम लोग मतलब सर्च कर रहे हैं कि लोहा का पट्टी कहीं दिख जाए, लेकिन आगे भी सारा है ना? कुछ उखाड़ के लेके जाया जा चुका है यहाँ से स्ट्रेट। देखिए ट्रेन का रूट जो है ना वो बिल्कुल क्लीन है बीच में, ये कभी एकदम स्ट्रेट यहाँ से पटरी है। ट्रेन का पटरी भी ये कहीं है? अरे तो कोई गाड़ी वाड़ी लोग चलाया होगा, तो यहाँ पर पटरी हुआ करती थी। अब बहुत बहुत मतलब दुख की बात है कि यहाँ कुछ है नहीं। एनीवेज चलिए आप लोगों को ला करके दिखाएं। तो यहाँ पे थोड़ा सा भूत वाला जगह है ऐसा सुनने में आता है, और यहाँ पे आत्माएं फिरती है। हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे बैठे, हमारे बीच में आत्मा हमारा हाथ पकड़ा हो एक, तो ऐसा भी होता है।
हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई गई हैं, रहस्यमयी चीज़ें। एनीवेज अभी सुनने में आया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर से प्लान किया कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन को दोबारा बनाया जाएगा। तो मेरे पीछे बे ऑफ बंगाल, मेरे सामने अरेबियन सी। चलिए अब हम सड़क पर चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं अपने हम लोग अभी रामेश्वरम से बाहर हैं, डर रहे हैं। रामेश्वरम में नहीं है लेकिन रामेश्वरम से बाहर है। रामेश्वरम से हमारी रात को ट्रेन है, सुबह हम लोग दर्शन कर दिया तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा ही है। बाकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रामेश्वरम और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए, आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों इस साइड आपको दिख रहा है अरेबियन सी और इस साइड आपको दिख रहा है बे ऑफ बंगाल और बीच में मनीषा, और ये श्रीलंका जाएगा एंड दिस विल गो टू इंडिया, यानी कि अभी हम इंडिया में ही हैं, ये हम लोग हिंदुस्तान में। यहाँ से श्रीलंका 22 किलोमीटर से होगा। अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे वो जगह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये जो जगह है ये है आपका विभीषण जी की मंदिर, जहाँ पे विभीषण जी का तिलक राज तिलक हुआ था। और ये दोनों तरफ समुद्र है, इधर भी समुद्र है उस साइड भी समुद्र है। इधर का कलर समुंदर का जो है ये थोड़ा सा ग्रेइश कलर है, ये बे ऑफ बंगाल का समुंदर है दोनों साइड, ठीक है। और ये आपको रोड दिख रहा है, ये रामेश्वरम को कनेक्ट कर रहा है, रामेश्वरम उस साइड आपको वहाँ दिख जाएगा अरेबियन सी। और सामने आपको दूरदर्शन टावर दिख रही है, ठीक है, दूरदर्शन टावर है रामेश्वरम में। बस सो गाइस यहाँ पर घर बन जाए बस हम लोगों का। अब मनीषा घर बनाने जा रही है, देखिए यहाँ पर अपन देखिए लोगों ने घर बनाया। सपोर्ट करो और आप लोग जल्दी सपोर्ट करो ताकि हम लोग नया घर फिर से बनाए, है ना। यहाँ पर पत्थर रखिए, चारों तरफ समुद्र है गाइस। वो रामेश्वरम आपको शहर दिख रहा है, बाकी इसके पीछे तो पूरा बिल्कुल सी खतरनाक है। विभीषण जी नहीं आके बताए थे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे करना है, तो उन्हीं का राज्य अभिषेक यहाँ इसी जगह हुआ था, यहीं पे राज्य बनाया गया, राज्य अभिषेक हाँ उनको किया गया था कि आप लंका का वो बनेंगे। उठते हे कदम रुक जा।